गाइस नमस्कार आप सभी को। गाइस कल जो मैंने अपना शॉर्ट वीडियो डाला था मिनी ब्लॉग वाला, तो मैंने उसमें आपको मैसेज करने के लिए कहा था कि कमेंट करना अगर आप मेरे भाई की स्टोरी जानना चाहते हो तो। तो ज्यादा तो नहीं, 100-150 लोगों ने कहा था कि हाँ दीदी भैया की स्टोरी बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। गाइस वो क्या हुआ था उस दिन सबसे पहले मम्मी बताएगी, क्योंकि मम्मी जगी हुई थी उस दिन सुबह। हम मैं विशु भैया तो विशाल यहाँ पे सो रहा था सोफे पे, मैं अंदर सो रही थी। तो बाकी मम्मी बताएगी कि क्या हुआ था उसे। सो रहे थे तुम दोनों? नहीं, विशु भैया बाहर था। मैंने जब बुलाया था वो लोग खड़ा था, वहाँ नहीं गिर गया था दरवाजे पे। मैं चिल्ला के पड़ी थी भैया भैया गिर गया भैया गिर गया, तो भैया बाहर सो रहा था, मैं अंदर सो रही थी। नहीं, तुम जो विशु भैया का कह रहे हो ना, विशु भैया बाहर सो रहा था। बाहर सो रहा था? हाँ, मैंने जब मेरे को आवाज नहीं आई थी कि कुछ अंदर हो रहा है, बज सा रहा है, मेरा भाई ना ऐसे हिल रहा था बहुत ज्यादा, गौरव भैया, तो मैं उठ के देखा था, फिर मैं चिल्लाई मम्मी मम्मी भैया को देखो। तो नहीं, एकदम भट से दिख रहा, ये उठ के आया। आप बाहर कपड़े धो रहे थे ना? मैं बालकनी कपड़े धो रही थी ना, भैया उठ गया था, गौरव उठ गया था, तो मैंने इसको बाथरूम करा के लेकिन जब बेटा सो जा, अब ये सोया नहीं, ऐसे घूमता रहा, मैं कपड़े धोती रही आराम से, फिर एकदम भट से दी गिरा। और जब गिरा था ना मेरा भाई, जब गिरा था ना, तो मेरे को लगा था कि मम्मी, मेरे को पता था कि मम्मी बाहर कपड़े धो रही है, तो मुझे लगा था कि मम्मी के हाथ से ना शायद बाल्टी गिर गई थी, इसलिए मैंने इग्नोर मारा। ये बात मैं बताई थी ना आपको? हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैंने बाथरूम में देखा, हाँ गौरव तो नहीं है कहीं, फिर मैं रसोई में भी देखा, गौरव तो नहीं है, फिर अंदर तो अंधेरा था ना, तो मैं सोफे तक गई और वापस आ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरा लड़का गिरा पड़ा है, और मैं आराम से कपड़े धो रही बालकनी में। फिर थोड़ी देर, जाने कितनी देर बाद मौनी उठी, मौनी किच्चा पड़ी एकदम, मम्मी भैया गिर गया, मम्मी भैया गिर गया, तब तो विशाल हाँ करके भागा, वो भी दरवाजे में लग गया एक बार, गिरता पत्ता उधर गया, तो देखा लाइट जलाई तो देखा तो खून खान हुआ, फड़ा फड़फड़ा हुआ, कोने में मेरा भाई गिर गया, फड़फड़ की आवाज आ रही थी। एक्चुअली ना मेरे भाई को ना फिट्स पड़ते हैं, गौरव भैया को फिट्स पड़ते हैं, तो मतलब ध्यान तो हम पूरा रखते हैं, मतलब होता है ना कभी कुछ ना कुछ होना ही होता है, तो हो ही जाता है, वही चीज हुई थी। इतना ध्यान रखने के बाद भी पता नहीं कैसे गिर गया मेरा भाई, समझ नहीं आया। तू चिल्लाने लगी ना, मैं पता कैसे चिल्लाई थी, मैं सोची मैं ना सॉरी, मैंने कहा चलो मम्मी के हाथ से गिर गया तो कोई बात नहीं, फिर ना मेरे को फड़फड़ की आवाज आ रही, मेरे को पता नहीं क्या, वो खड़े होकर देखा आंखों के सामने, अलमारी के सामने मेरा भाई ऐसे गिरा हुआ, ऐसे हिल रहा, इतनी तेज हिल रहा भैया, सुबह का समय था, ऊपर से इतना। फिर विशाल को बुलाया, विशाल कह रहा मम्मी भैया बेहोश हो गया था, तो फिर हमारी तो हिम्मत नहीं हुई तेरी और मेरी, तो ना फिर विशाल ने ऐसा मुंह पकड़ा और वो हाथों पे धरा और बेड पे लिटा लिया सारा। मम्मी ने ना पलंग वो लिया, तोलिया, और तोलिया से ना मम्मी भैया का मुंह रख दिया। मैंने कहा मम्मी हटाओ तो उसको, सांस तो आने दो उसको, क्या हुआ देखो, पता तो चल नहीं रहा था, जब भैया के पूरे फेस पे खून था ना, मैं नहीं पता था ना कहाँ लगे कहाँ ना लगे, क्योंकि खून खून था। तो फिर उसमें क्या हुआ कि मैंने तौलिया हटाई ना, तो ये चीज कटी हुई, पर साफ पता नहीं चला था खून के समय में, वो तो जब हम फिर होश आया, होश नहीं था। फिर तू भागी जल्दी जल्दी, मैं पीछे से भागी, विशाल हाथ, गौरव भैया ना, पता विशाल भैया ना मेरा इतना अच्छा है, मैं और माँ तो रोने ही बैठ गए, मम्मी 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 करने लग गई, पता नहीं विशाल ने खींचा था ना मम्मी, खींचा था टेबल के नीचे से, पता नहीं कैसे ही घुस गया था, मतलब इतना बड़ा मेरा भाई इतना छोटी सी जगह में फंस गया, हमें तो ये समझ नहीं आ रही थी ना मम्मी, और धे पता नहीं क्या ही लगा था, अभी मैं दिखाऊंगी वो जगह कहाँ पर है, पता नहीं अलमारी लगी है, कुर्सी लगी है, कुछ समझ नहीं आया था, बेड पे लिटाया ना तो बेहोश था मेरा भाई, मेरा विशाल इतना रोने लग गया मेरे तो, बब्बी मेरा भाई, मम्मी मेरा भाई बचाओ, मम्मी बालाजी लेके चलो, बेटा क्या करेगा, वो ये डॉक्टरों से हाथ तो लगवाता नहीं, मैं लेके जाऊंगा, फिर तू गई भागी रिक्शा लाई सुबह 5:30 से 6:30 बज रहे, 6 बजे की बात है, तू रिक्शा लाई, फिर ऊपर से हम गए, बीच वाले आंटी ने तेरी ने पानी दिया तो मुँह पर पानी मारा था, इसको होश आ गया, फिर तुरंत हम रिक्शे में लेके वहाँ गए, उस दिन की चले गए बालाजी में, रुको उस दिन पता है क्या था, हमारे नीचे बंडी भाई भी नहीं थे, वो गए घूमने गए हुए थे, कोई भी नहीं था अकेला, मतलब आपको तो पता ही है ना कि जब बंदा गिर जाता है उसका शरीर ही भारी हो जाता है, ऐसे रो रही है, मेरा भाई विशाल अकेले उसको तीसरी मंजिल नीचे लेके गया मेरा भाई को, पता नहीं कैसे उसकी हिम्मत थी, कह रहा मम्मी
मैं 3-4 बार तो सीढ़ियों में से गिरता गिरता बच गया। और कोई था भी नहीं घर में, किसको लेके जाते मम्मी? बंटी भाई भी नहीं थे, नहीं तो बंटी भाई लेके जाते साथ में नंगे पैर। ऐसे दोनों हाथों में उठा के लेके गया था ना, ऐसे दोनों हाथों में उठा के गौरव भैया को नीचे लेके गया, पानी डाला था वहाँ रिक्शे में, तो गौरव को उतारा था, मैं मांगने गई बेहोश हो गई, मम्मी बेहोश हो गई मेरी, रो रही माँ धर 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 रोने लग गई, डॉक्टर चिल्ला रहे इनको चुप करो इनको चुप करो, हैं बच्चे आ गए। फिर वहाँ से मैं घर पर ही थी, मैंने सबको फोन कर दिया था क्योंकि वहीं आ गए। हाँ मेरे को घर पे रहना भी जरूरी था ना, सारा खून वून पड़ा हुआ था पूरे घर में, समझ नहीं आ रहा था। हाँ 4-5 नहीं यहाँ पे ज्यादा आए थे, यहाँ पे 4 आए थे, यहाँ पे बाकी जो थे ना वो यहाँ पर आए थे भाई। कैसे ना कैसे करके इसके पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, समझ नहीं आया। चाल भैया तो बस रोए जा रहा, मम्मी मेरा भैया बचा, मम्मी कहीं लेकर चलो, ऐसे ही बोला जा रहा वो तो मम्मी, है ना उसके तो टाके लगवा रहे। हाँ मेरे भाई को मैंने आपको बता रखा ना कि अपनी स्किन को टच भी नहीं करने देता है, तो कैसे ना कैसे करके सबने इसके हाथ पैरों को पकड़ा, और वैसे भी उस दिन वो ढीला था क्योंकि भैया को जब निकल गया ना सारा खून निकल गया था, मुंह देके ऐसे पड़ा हुआ था, मुंह देके यूं, जिस वजह से सारा खून मेरा भाई का बह गया था, मुंह देके ही तो पड़ा हुआ था, इस वजह से मुंह दबा हुआ था टेबल के नीचे। हाँ सारा खून इसी वजह से मेरा भाई का गिर गया था, जो था ना टाइम था वो टल गया, बुरी बलाटी जो भी था चला। और वैसे भी ना टाके लगा के सही छुट्टी रह रही थी 2-3 घंटा, सब आए रिश्तेदार, बड़ा बहुत सारे लोग आ गए थे, बहनें जिया जी उनके बच्चे सब आ गए थे देखने, मामा को क्या हुआ, मामा को क्या हो गया। अरे मामा भी तो आ गया था तेरा, छोटे मामा बड़े मामा मौसी मौसा सब आए थे घर पे फिर मेरे भैया को देखने, क्योंकि पता ही नहीं चला क्या हुआ था। एक तो पिंकी कृष्णा मौसी तो देवली से आई, पिंकी मौसी वहाँ से आई, बड़ी मौसी वहाँ से आई, सब आए थे हमारे घर में देखने मेरे बाबू को, पता नहीं कैसे गिर गया था ये, लगता है तो सुंदर सा भी छोड़ के उठाई है, इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हमारे घर में सबसे ज्यादा। गाइस फिर ना बताइए क्या हुआ था, नेक्स्ट डे ना मैं मम्मी गए थे एम्स हॉस्पिटल, भैया की तो हालत बहुत खराब हो रही थी ना क्योंकि यहाँ पे भी कट गया था पूरा मुंह, सूज सूज सा गया था, तो मैं और मम्मी चले गए थे भैया को पेपर लेके मेडिकल, उन्होंने मना कर दिया, वो कह रहे थे वो भी अपनी जगह ठीक थे कि बच्चे को लेके आप ले, हमने ना फोटो वीडियोस बना ली थी कि हमारा भाई ना ऐसे ऐसे हो गया वो आ नहीं पाएगा, उन्होंने कहा नहीं साफ देखने से मना कर दे, यूं नहीं की दवाई लिख दे बच्चे की कंडीशन खराब है, कैसे लेके आते, पूरा मेरे भाई का मुंह सूज गया था, आंखें सफेद से लाल पड़ गई थी, पट्टी बंद गई थी, मैंने सब प्रूफ भी दिखाया था नेक्स्ट डे ही, क्योंकि हम खुद डर गए थे कि इसकी दवाई ना हमने गलती से बंद कर दी थी और हमें पता नहीं था, दवाई तो बंद कर दी थी 6 महीने बाद ही मेरा भाई गिर गया था, बीमार पड़ गया था। और ना मेरे भाई के जो फिट्स पड़ते हैं ना, तो उसमें एक चीज ना हमने नोट करी है, मम्मी वो डरता है, याद है ना, चलते चलते डर गया। मम्मी उस दिन कह रही थी, मैं ना वो काट रही थी गाजर, गाजर को देख के डर गया था, सब्जी को देख के डरना, हमको ही देख के डरना, तो मेरे भाई के ना थोड़े डर के फिट्स पड़ते हैं, ऐसा कुछ है। ऐसी चीज एक बार बहुत पहले भी हुई थी ना, हमने ना ध्यान नहीं दिया था इस बार, ऐसी चीज ना बहुत पहले भी हुई थी तब भी मेरा भाई गिर गया था, और इस बार भी वही सीन हुआ था, ये किसी भी चीज को देख रहा था और डर रहा था, और हम ये बस समझ नहीं पा रहे थे, और अब बिल्कुल नॉर्मल है, अब नहीं डरता ना मम्मी, अब दवाई चल गई वो चीज इसकी शांत हो गई। तो डॉक्टर कह रहे थे कि जो फिट्स होते हैं ना वो सब अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है, तो मेरे भाई के साथ डर गया, तो अब हमने याद कर रखा है कि मम्मी अगर अब कुछ भी हो, अगर ये डरता वरता है तो डॉक्टर को बताना है जाके। फिर वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने भेज दिया, हमारा पूरा दिन खराब किया, विशाल भैया घर पे था क्योंकि भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, ये रहा यहाँ पे देखो ये लगी थी मेरे भाई की, एक ये लगी और एक ये रही, दिखा ना यहाँ पे दो जगह मेरे भाई के कट आ गए थे, पता ही नहीं कैसे इसने, और मम्मी कैसे भैया ने टांके कटवाए थे, हमारे यहाँ ना एक गोयल डॉक्टर है, टांके के लिए भी परेशान हुए हम कि कैसे टांके कटवाएगा ये है वो, इतना परेशान किया ना हमारे भाई ने, फिर पता ही कैसे किया, दो जनों ने पैर पकड़े, दो जनों ने हाथ पकड़े, एक बंदा शरीर पे बैठ गया, तब जाके मेरे भाई ने 12-13 टांके कटवाए थे, नहीं तो होश, उस दिन तो बेहोश में था तो इसलिए कट लगवा लिए, फिर भी पकड़ना पड़ा था, थोड़ा बहुत ही पकड़ना पड़ा था, बट उसके बाद जब टांके कटवाए ना भैया बहुत बुरी हालत हो गई थी। मेरे छोटे भाई है ना विशाल ने बोल दिया था मम्मी यार छोड़ो अब कोई बात नहीं भैया को प्राइवेट दिखा लेते हैं, तो प्राइवेट डॉक्टर ने दिखाए, फिर उसने भैया के सारे कि क्या हुआ था मेरे भाई को सारे उसकी एक्सरे वगैरह कराए, हमने वो भी कराया, इतने महंगे हुए थे ना बाहर से, फिर भी विश्व भैया ने कहा था कोई बात नहीं मम्मी मेरे भाई पे जितना पैसा लगे लगा दो पर मेरे भाई को ठीक कर दो, ये बात बोली थी, मम्मी से सुनवाती हूँ भैया ने ये वाली बात बोली थी ना विश्व भैया ने, मम्मी कितना भी पैसा लग दे मेरा भाई बचा लो। हाँ, तो
कहता है, अब भी कहता है मम्मी कितना भी पैसा लग जाए भाई ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा भाई है ना, कभी कभी परेशान हो जाता है बाप, बड़ा भाई बाप सम्मानित होता है, मेरा इतना छोटा सा भाई है, इतनी सारी चली जाए तो उसके सर पर कौन है, कोई नहीं। तभी मैं चाहती हूँ कहीं मेरी आसपास शादी हो जाए, हो ही नहीं रही है, कोई लड़का ही नहीं मिल रहा मेरी शादी के लगा, इस लड़का हो तो बता दो मेरे लिए, कोई मेरे को वायर डाटा भेज देना, मेल कर देना, मेरे घर के पास ही हो, मतलब दूर नहीं, ज्यादा भी दूर नहीं ना ज्यादा पास, ऐसा कुछ हो तो बता देना, ताकि मैं अपने घर का भी ध्यान रख सकूं, गौरव भैया का भी ध्यान रख सकूं, मम्मी का भी भैया का भी, विशु भैया की पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाएगी जब मेरी शादी हो जाएगी, विशु भैया क्या विशु पे तो आनी ही आनी है, उसकी भी शादी होगी, सारी परेशानी थोड़ी वो जो होती है हमारे गौरव भैया की होती है, आगे कैसे चलेगा, बस चिल सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे, सही आओ। वो समय बड़ा गंदा था, वो समय बहुत गंदा था, मेरे तो रो रो के आंसू ही ना रुके मम्मी, बस पूछो ही मत। फिर पूजा दीदी का फोन आया मेरे पास, बेटा वो जो खून पड़ा हुआ था तूने साफ कर दिया, मैंने कहा नहीं दीदी मेरे बस की नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरे भाई का खून है वो, फिर कहा बेटा तू साफ कर ले, मम्मी आएगी तो मम्मी देख के दोबारा रोएगी, तो इसी वजह से मैंने वो सारा खून साफ करा कि मम्मी आके रोए ना, बीच वाली आंटी आई मेरे को चुप कराने, बेटा कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, पता ही नहीं क्या हुआ था मेरा, रो रो के हाल बुरा, सब बहनों को फोन घुमाया, मम्मी मम्मी भैया लेके गए थे भैया को हॉस्पिटल और मैं घर पर ही थी, क्योंकि घर में भी होना जरूरी था, कोई ना कोई सारी बहनें आ गई थी हमारी, राखी दीदी तो पैदल पैदल भागी थी, राखी पर आई थी राखी दीदी, राखी दी को मैंने फोन कर दिया था ना, मेरी बहन तो नंगे पैर ही भाग गई, बालाजी कहने को दूर है उनके घर से, इतना भी पास नहीं है थोड़ी दूर है, फिर भी वो पैदल पैदल भागी, पता नहीं क्या हुआ था, डॉक्टर तुम भी तो कह रही थी वो व्हील चेयर पे भैया कैसे ऐसे खून साफ कर रहे थे रुई से, बताते रहे थे आप, नहीं तो बताया नहीं, मैं तो थी नहीं वहाँ पे, नहीं वो डिटॉल लेके ना रुई से साफ कर रहे थे, कह रहे टांके लगे, टांके ज्यादा फट गया था मेरा भाई का, कह रहे टांके लगे नहीं खुला रह जाएगा ये ऐसे, इन्फेक्शन फैलने का डर है, खुला रह जाएगा, फिर कह रहा फिर विशाल ने बोला कि हाँ ठीक है लगाओ, तो टाके लगाओ, दो तीन घंटे भी 10,000 रुपये लग गए, 10-12 पैसे की तो कोई बात नहीं, मेरा भाई बच गया, इतना सुंदर है मेरा, क्यूट सा मेरा भाई है, आप सब इतना प्यार दिखाते हो, मेरे भाई को बहुत अच्छा लगता है, और एक बार मैं भैया की जगह भी दिखा देती हूँ कि मेरा भाई कहाँ पे गिरा था, मम्मी आओ आप बता, यहाँ पे मेरा छोटा भैया सो रहा था और गिरता पड़ता आया मम्मी, इसमें गिरा था, इस दरवाजे पे लगी थी विशाल के, ये वाला दरवाजा ऐसे गिरा और भागा, मेरा भाई कहाँ गिर गया, यहाँ पे मेरा भाई रुक जाओ दिखा, यहाँ कोने में मेरा भाई गिर गया था, उसके पैर टेबल के अंदर घुस गए थे, मेरे भाई का कितना बड़ा शरीर है, उसका पैर यहाँ अंदर फंसे हुए थे और यहाँ गिरा हुआ था, तो हमने जो आइडिया लगाया शायद उसकी ये चीज लगी थी और ये चीज लगी थी, इसी वजह से मेरे भाई के दो जगह से कटा था ना मम्मी, बाकी बाद में ना हमने बहुत सारे ट्राई किया कि भाई कैसे गिरा क्या गिरा, हमें तो समझ ही नहीं आया, जो बस हमने आइडिया लगाया कुर्सी लगी है और ये अलमारी लगी है और कुछ नहीं लगा, यहाँ बिस्तर है ना, यहाँ बिस्तर पे लेके भैया बैठ गया था, इसको तौलिए से इसके मुंह साफ किया, पूरा दिन था जो भी था वो मेरी जिंदगी का, और आज मम्मी पता आज ही के दिन हुआ था वो सब, तभी मैं ये बात बता रही हूँ सबको, 6 मई को ही हुआ था आज ही के दिन, इस समय तो हम रो रहे थे सारे हॉस्पिटल में, थे हॉस्पिटल में रो ही रहे थे, मतलब बहने वहने आ गई थी सारी, मौसी मौसा पड़ोस वाले सब आए थे देखने मेरे भाई को क्या हुआ, फिर इसको डॉक्टर ने टाके वाके लगाए थे, तो खाने के लिए बोला था अंडे खिलाओ इसको, जूस पिलाओ, सब चीज कराया था मैंने इसको, थोड़ी थोड़ी वीडियोस फोटोज भी है वो मैं सब शेयर करूंगी आप, तो गाइस उस दिन की 6 मई की स्टोरी जो आज का दिन था वो स्टोरी मैंने बता दी आप सभी को, बाकी आप सब मेरे भाई के लिए दुआ करते और ऐसी दुआएं करते रहिए ताकि मेरा भाई और जल्दी ठीक हो जाए, बाकी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है जब से इसकी दवाइयाँ शुरू हुई है, क्योंकि डॉक्टर बता रहे हैं कि मेरा डॉक्टर बताते हैं मेरे भाई के ना दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है जब वो बीमार पड़ा था, तो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब वो टाइम नहीं बताते हैं कभी कि इतना टाइम लगेगा, हमेशा जाती है ना मेरी मम्मी ये बात जरूर पूछ के आती है कि डॉक्टर कितना टाइम लगेगा बता दो, पर वो बताते ही नहीं है, अब क्यों नहीं बताते वो तो हम भी नहीं जानते, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं ज़रूर पता करती कि क्या है मेरे भाई के दिमाग में, बाकी देखते हैं और
हाय बाबू। ये देखो शो के उठाना अभी मूड में नहीं है बात करने के लिए, करेगा अभी थोड़ी देर में बात। तो गाइस 6 मई की हमारी 2022 की स्टोरी यही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर देना मेरे भाई के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बाकी सब आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसी मैं और वीडियोस लाती रहूँगी। एक्चुअली मेरा पता है ब्लॉग करने का मोटिव क्या होता है, मैं चाहती हूँ मैं ना अपने भाई की हर एक चीज़ को कैप्चर करूँ, और जब ये ठीक हो ना तो ये अपने आप आँखों से देखे कि हाँ बहन मैं ऐसी हरकतें करता था, मम्मी भैया बहने मैं सच में ऐसी हरकतें करता था जो तूने ऐसी वीडियोस बना रखी है। तो बस इसी चीज़ को लेकर मैं अपने भाई की हर एक मूवमेंट को कैप्चर करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने भाई को ही कैप्चर करती हूँ कि उसकी सारी चीज़ों को मैं अपनी वीडियोस में दिखा सकूँ। तो गाइस बस यही स्टोरी थी, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर जाना। बाकी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेगी और चीज़ें मैं बताती रहूँगी अपने भाई के बारे में, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बाकी प्यार बनाए रखिए। गाइस एक बात और मैं बताना भूल गई, आज ही के दिन कपड़े धुले, उस दिन भी कपड़े ही धुल रहे थे। मैं तो सोची थी कि मम्मी से बाल्टी गिर गई, पर बात का कुछ और ही हो गई थी। अभी उठा था ये पिसा करके, मैंने सुला दिया, मैं सुला सोचा पहले भी ना मेरे भैया पता नहीं क्या हो गया तो उसको नींद ही नहीं आती थी ना मम्मी। हाँ पूरी रात ऐसे भागा, पूरा दिन ऐसे सोता ही नहीं था, जगता ही रहता था। उसके ना मेरे भाई के शरीर में ना कुछ होती थी चीजें, ना कंपन होती होगी शायद, हिलती होगी और हमें पता नहीं चल रहा, वही जानता उसके साथ क्या हो रहा है। पर जब हुआ तो हो ही गया, बट यह है कि टाइम से पता चल गया, ज्यादा नहीं लगी थी आँख, 11 बजे थी। आज भी उठ के बैठा हूँ, मैंने बिठाया सुलाया गौरव भैया ना, आज भी उठ के मतलब तो दवाइयाँ चल रही है, अब तो बिल्कुल ही ठीक हो गया ना मम्मी भैया। पहले से हर चीज पे डर जाता था, जैसे ऐसे देखती देखती डर के भागने लग जाएगा। डॉक्टर को ये वाली बात बताई तो डॉक्टर कह रहे थे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी ये चीजें, धीरे धीरे, और टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज भी मेरे भाई की फिर ठीक हो गई थी, शुक्र है। हाँ नीचे वाली आंटी का भी तो जब मैसेज आया था ना, आंटी भी कह रही थी कि कोई गिर गया है, छत से गिर गया है, क्योंकि सुबह का समय था, सब सो रहे थे तो भट से दी आवाज आई थी, बहुत तेज की आवाज आई थी गिरने की, पता नहीं यार। और अंदर यहाँ तक तो देख लिया था मैंने, यहाँ तक अंदर नहीं गई मेरी मम्मी। मम्मी कह रही कि भैया ना अंधेरा हो रहा है, जाके सो गया है। सो गया है। हाँ। मम्मी को लगा था कि भैया अंदर जाके सो गया, इसलिए मम्मी दोबारा कपड़े धोने लगी। वो तो पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया, चिल्ला पड़ी मम्मी, तुरंत फिर मेरी मम्मी ने देखा, सो मेरी मम्मी का रोना शुरू हो रहा, मेरा बच्चा, ये मेरी मम्मी का बच्चा। आज देखो कितना स्मार्ट बॉय बना दिया मम्मी ने, इसको सभी प्यार करते हैं, लाडला है हम सबका। देखो लाडलू बड़ा है, एक तो बड़ा है, ऊपर से क्यूटी क्यूटू भी है, सोनू सोनू भी है, गंदा भी नहीं रहता। गंदा क्या रहेगा, हम रहते हैं गंदे। मम्मी देखो क्या कह रही है, हम रहते हैं गंदे जो मेरा भाई गंदा रहेगा। मेरी मम्मी ने हमेशा से हम भैया को साफ सुथरा रखा, ऐसा नहीं है कि कोई आए और मिले ना। कर देते हमारा भैया, कर भी देता है ना अब तो भैया, हम हैंड टू हैंड इसके कपड़े उपड़े चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं। मम्मी तो चद्दर वद्दर सब धो देती है, मम्मी नहीं रखती कुछ भी गंदा चीज, सब चीज साफ मार देगी। छोटी छोटी जो थेगरिया से लगी होती है ना, जहाँ सुसु क्या है वहीं पे चाय पी लो, जहाँ सुसु करते हैं मम्मी वहीं पे मग्गे वग्गे में ले जाके धो देगी, फिर सुखा देते हैं। मेरी मम्मी ने बहुत किया भैया के लिए, पता नहीं ये कम है भैया की, भैया हमारी कम मम्मी की सेवा करे, ऊपर वाला ही है, अब जो भी होगा ऊपर वाले के भरोसे ही बैठे हुए हैं, ठीक होएगा तो अच्छी बात है, खुदा करेगा मेरा, जो भी करेंगे खुदा करेगा, उस पर भरोसा है। सही बात है, थोड़ा उस पे भरोसा है, थोड़ा दवा पे भरोसा है, थोड़ा डॉक्टर पे भरोसा है, इसी उम्मीद पे दुनिया चल रही है सारी। जो हमारी बीच वाली आंटी है ना, उनका बेटा है अजय भैया, उन्होंने फिर हमको एक पानी की बोतल दी, और नीचे में रिक्शे में बिठाती मेरे भैया को होश आ गया था, हमको देख रहा था कि मेरे को कहाँ लेकर जा रहे हैं, पर प्रॉपर होश नहीं था उसको। फिर वहाँ रिक्शे तो मैं ही लाई थी, रिक्शा मैं लेकर आई थी, मतलब बहुत सुबह का टाइम तो रिक्शे भी नहीं थे, तो कैसे ना कैसे करके एक रिक्शा मिला, वो बालाजी छोड़ के आया, फिर उसने पैसे नहीं लिए। किसी गाड़ी 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 का इंतजार
किसी पे मतलब सब सो रहे थे सुबह का टाइम था, किसको परेशान करते, फिर गाड़ी खोला, नीचे आंटी के पास गाड़ी है वो थी नहीं, नहीं तो आंटी कह रही थी मैं ही ले जाती भैया को बिठा के, बट उस समय गाड़ी नहीं थी। वो होता है ना हमेशा भैया कह नहीं रहते कि मैं नीचे गाड़ी लाके खड़ी करता था, उस समय भैया गाड़ी नहीं लाए थे तो गाड़ी भी नहीं थी, तो फिर सीधा हमने रिक्शा लिया, रिक्शा में बिठा के भैया ले गया था भैया को। मम्मी कह रही हम तुरंत ले गए थे, तुरंत वो भी सही था, मम्मी को संभाले, उसको संभाले, किस किस को संभाले, एक अकेली जान मेरा भाई, किस किस को देखे। मेरा छोटा भाई बहुत मेहनत करता है, बहुत प्यारा है मेरा छोटा भाई, बिजी रहता है थोड़ा इसलिए वीडियोस में नहीं आ पाता है वो, बस क्या ही बोल, बहुत बहुत प्यारा है मेरा छोटा भाई भी, दोनों भाई मेरे बहुत अच्छे हैं। उस दिन एक बात याद आ गई, मतलब बीच बीच में गई जो जो बात याद आ रही है ना वो मैं डालती जा रही हूँ। उस दिन एक बात और याद है, जब मेरा भाई यहाँ से गौरव भैया को लेके गया था ना, कपड़े भी उसने ऐसे उल्टे सीधे पहन रखे थे ना विशाल ने, निक्कर और टी शर्ट, बस कुछ नहीं लेके भागा, चप्पल भी घर पर ही भूल गया था, बस सिर्फ और सिर्फ पर्स लेके भागा था और कुछ नहीं, फोन भी घर था उसके, है ना मम्मी, पर्स लेके गया था क्योंकि बिना, क्योंकि प्राइवेट में तो यही होता ना पैसे के, जब तक पैसे नहीं दोगे वो कुछ नहीं करेंगे, पैसे दो, इतने गंदे लोग हो गया। हम भी माना कि सरकारी में लेके जाना चाहिए था उसको, शायद देखा ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ता मेरे भाई की, जब फिट्स पड़ते ना तो एम्स में मम्मी लेके भागती थी, मम्मी वो ग्लूकोज चढ़ाते थे भैया को, तो ग्लूकोज चढ़ाते थे एक बॉटल, क्योंकि पूरा शरीर हिल जाता है उससे, पूरा का पूरा शरीर हिल जाता है। फिर चाय नाश्ते की बोलते थे ना, बिस्किट खिलाओ और सुला दो, 5-10 मिनट बाद होश आ जाता है, फिर उसको बिस्किट वगैरह खिलाओ और सुला दो। फिर यहाँ पे भी यही हाल हुआ था, वही चीज़ की थी, बिस्किट वगैरह खिलाया था, सुला दिया था। मेरा भाई नंगे पैर गया था उस दिन, चप्पल ही नहीं थी, चप्पल होती तो शायद गिर गिर जाता झीनों में, नंगे पैर गया था ना मम्मी, भैया को लेके नंगे पैर गया था वहां पे, चप्पल तुमने पहनाई थी दीदी ने, किसी ने तो चप्पल पहना दी थी बहनों में से ही किसी ने, कि भाई तू चप्पल पहन ले नंगे पैर आया है, तुमने चप्पल पहनी थी पहले? हाँ तुम भी ऐसी सूट, मम्मी वैसे मेरी साड़ी पहनती है सूट में थी, सूट पे ही चुन्नी ओढ़ के भगली थी मम्मी, उस समय तो कुछ होश ही नहीं था क्या करना, मेरे हिम्मत ही नहीं हो रही थी जाने की, पता नहीं रो रो के बुरा हाल उस दिन तो, बाप रे उस दिन क्या आज ही का दिन था वो, जो भी था बहुत बुरा दिन था। बीच बीच में ऐसे ना बातें याद आ रही है वो मैं बताती जा रही हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, जो चीज़ थी मैं वो ही बता रही हूँ, कुछ इसमें फेक नहीं है, 2-4 फोटोज मैं लगा दूंगी जो है उस दिन की, बाकी जो भी डाटा था वो मेरे दूसरे फोन में था जो कि चोरी हो गया, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर से कलेक्ट कर लिया है, तो मैं बीच बीच में डाल रही हूँ उस चीज़ों को। अरे रोता जाए मेरा बच्चा, उठाता जाए ऐसे उठा रहा, मेरा भैया पहली बार, वो सच में मैंने पहली बार ना अपने भाई को रोते हुए देखा था विशाल को, बहुत रोया था उस दिन, मम्मी मेरा भाई को क्या हो गया, मम्मी मेरे भाई को क्या हो गया, जो था अच्छा था वह ठीक हो गया। और उसी दिनों पता नहीं क्या हुआ था, हमारे मामा गिर रहे, हमारी मामी बीमार, मम्मी मामी की बेटी बीमार, और एंड में जाके हमारा भैया गिर गया था, मतलब सब रोए, कोई किसी में भाग रहा है, कोई किसी में भाग रहा है, मेरे मामा मामी को देख रहे हैं, अपनी लड़की को देख रहे हैं, गौरव भैया पता नहीं क्या हो गया था उन दिनों हमारे घरों में, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ ही रहा था, हमारा घर और रह गया था, हमारे घर में भी हो गया, बड़े भैया टांग टूट गई, बड़े मेरे मम्मी के बड़े भैया है ना उनकी टांग टूट गई, छोटे मामा की वाइफ को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उनका थायराइड था ना, उनके थायराइड हो गया था, उनकी लड़की के ऑपरेशन हुआ था, एकदम से पता नहीं क्या ही हो गया था, 10-12 दिन में पता ही नहीं चला था हमारे घर में, पता नहीं लास्ट हमारे भैया था कह रहे थे पुष्पा का भी घर रह गया था वो भी हो गया, मतलब होन सब जगह से ही सब कुछ खराब चल रहा था उन दिनों, कुछ कह नहीं सकते हैं। उसकी इतनी चोटें लग गई यहाँ पे, फिर भी खेल रहा था ना भैया मम्मी, होश आ गया था जब खेलने, होश आती ही खेलने लग गया, तो उसको पता है, बस उसको इतना एहसास था मेरा कुछ हुआ है, पट्टी पे हाथ नहीं लगा रहा था, पट्टी पे हाथ नहीं लगाने दे रहा था कुछ भी, बस उसको इतना एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हुआ है, उसको ये फील हो रहा था, ये नहीं पता था, लगवा भी नहीं रही थी भैया, क्योंकि भैया मत लगवा विशाल टाके, ये हटा देगा,
सूख गए इसलिए टापों से हाथ नहीं लगाने दिए। इतना अच्छा है ये मेरा सोनू भाई, चोट लगी इसको भी पता था मेरे चोट लग गया। ऐसी बातों में तो ध्यान रखता है मेरा बड़ा भैया, बहुत अच्छा है मेरा भाई। बस तुम सबकी दुआ है, और चाहिए और थोड़ी सी ज्यादा दे दीजिए, मेरा भाई जल्दी से और ठीक हो जाए। बस और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, हमारे जीवन में अब मोटिव कुछ है नहीं, बस यही कि यही उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि मेरा भाई जल्दी ठीक होगा। मेरा क्या, हम सबका भाई, भैया, भाई, मम्मी, बेटा, बस यही उम्मीद है कि हमारे भैया बस जल्दी हो जाए। अब ऊपर वाले से कुछ नहीं मांगते, हम बस यही मांगते हमारा भाई ठीक हो जाए, है मम्मी? सब मांगते हैं सब, ये बात पक्की है। बोलो मेरा भैया ठीक है? सोना भैया मेरा ठीक है, बोल मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। ये मेरी बेटी है, इसको हुई हो गई या हुई हो गई, मेरे बाबू की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है? सबको पता चल गया मेरे भैया को हुई हुई है। क्या हुई है हमारे भैया को, क्या हुई है? हुई हुई है, हुई, क्या हुई है? हुई। अभी मेरा भैया बेटर है, उससे पहले मेरे भैया के बहुत सारी हुई हुई थी, और मेरे भाई के, बोलो खुजली भी हो रही है ना, मेरी खुजली कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे मेरे भैया की खुजली भी हो रही है यहाँ पे। तो सर मेरे भैया के लिए प्रेयर करना, मेरा भैया और जल्दी से ठीक होगा, ठीक है भैया? बोलो हाँ, बोलो ठीक है सर, मेरे लिए प्रेयर करना, मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। मेरी आइस में चोट भी लगी है, देखो